जय श्री राम। मैं राजेश कोतवाल और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज़ नेटवर्क। तो आज मैं JNK के डिस्ट्रिक्ट डोडा तहसील भाला में हूं। तो अपना कैमरामैन से थोड़ा कहूंगा कि भाला का थोड़ा व्यू दिखाएं। अभी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अर्पना जी, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, महिला मोर्चा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। तो इनकी ज़बानी पूछते हैं, आजकल इलेक्शनों का दौर है कि BJP किस हिसाब से चल रही है, तो ठीक है इनसे ही पूछते हैं। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे समय दिया बोलने का। मैं अर्पना कोतवाल, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष डोडा। आए दिन हम लोग, आप देखते ही होंगे कि अब सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी आपको कि हमारे तीसरे बार फिर से प्रधानमंत्री जो है हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी बनने आ रहे हैं। तो हम लोग ग्राउंड पे जाते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो कौन सी घड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है तो गरीब जनता की आवाज़ सुनने के लिए पीछे रहा, या फिर कोई भी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो स्कीम है, हम लोग आए दिन ग्राउंड पे जाते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं और बहुत अच्छे तरीके से जो सरकार की स्कीमें इंप्लीमेंट हुई हैं तो पूरे देश भर में पूरे जो लोग हैं वो अच्छी तरीके से उठा रहे हैं। बहुत अच्छा काम किया है सरकार ने और आगे भी उम्मीद है कि इससे भी ज़्यादा जो है काम करेगी। आज के दिन ये भी है कि डॉक्टर जितेंद्र जी शायद इलेक्शन के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो आपके लिए कैसे वो लग रहे हैं, उन्होंने कैसे काम किए हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए किए हैं, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में, क्योंकि उधमपुर के हैं वो, तो आप इस बारे में हमें बोलिए। बहुत अच्छे काम किए हैं, इसमें कोई दोराई नहीं है हमारे। आज तो बहुत ही खुशी का दिन है कि आज नॉमिनेशन फॉर्म भरने जा रहे हैं और हम दुआ करेंगे कि ये इलेक्शन जो है बहुत अच्छे तरीके से हो और भारी अक्सियत के साथ जो है डॉक्टर जितेंद्र साहब की जीत हो, हमारे प्रधानमंत्री जी की जीत हो। आप पूरे यकीन से कह रहे हैं कि मतलब BJP जीतेगी, है ना? बिल्कुल पूरे यकीन से कह रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर गरीब के लिए काम के लिए किया है, हर वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए काम किया है। बराबर एक सम्मानित तरीके से हर एक वर्ग के लोगों को देखा गया है। पहले जो होता था, पहले की सरकारें जो होती थी, सबसे पहले तो मैं आपको बड़ी बात एक कहूँ कि जो देश के अंदर पूरे बदलाव आया है, एक शांतिपूर्वक माहौल में पूरी दुनिया जो है आज जी रही है। खास करके हमारे जम्मू कश्मीर के लोग, यहाँ के हालात का आपको बाखूबी आप जानते हैं कि किन किन दौरों से हम लोग यहाँ पे गुजरे हैं। बहुत सारा जो यहाँ पे एक आतंकवाद का जो माहौल था पूरे देश भर के अंदर, आए दिन हम लोग सुनते थे कि आज यहाँ पे हादसा हुआ, आज वहाँ पे हादसा हुआ, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाते थे, लेकिन आज बहुत ही अच्छे तरीके से अपने रोज़गार भी जो लोग कमा रहे हैं, बहुत अपने निडर होकर अपने घर से बाहर निकल सकते हैं, तो बहुत अच्छा माहौल है। सबसे पहले बड़ी डेवलपमेंट तो यही है कि हम एक अच्छे माहौल में जी रहे हैं। आज हमें वो चिंता नहीं रहती कि रात को हमारे घर का कोई बाहर रहा है तो कब आएगा, क्या होगा, कोई इंसिडेंट तो नहीं होगा। आज ऐसा कुछ नहीं, हम दिन को काम करें, रात को हम अपने थोड़ा लेट भी घर पहुँचे तो हमें वो चिंता का कोई ऐसा कुछ नहीं है। डिजिटल इंडिया है, आए दिन आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, आज डरने की ऐसी कोई बात ही नहीं है। जो लेडीज़ पार्टी है उनके लिए मोदी जी ने क्या क्या काम सरंजाम दिए? देखो, महिलाओं के लिए जो 33% जो रिजर्वेशन दी है तो ये एक बहुत ही हम लोगों के लिए, खास करके महिलाओं के लिए एक बहुत खुशी का जो है हमें एक गिफ्ट दी है मोदी जी ने हमारे लिए। ये बहुत सराहनीय है कि जो मान सम्मान मोदी जी ने महिला को दिया है उसका हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने मोदी जी का कि महिलाओं को उन्होंने इतना मान सम्मान दिया, आगे रखा। अब पहले कहाँ आपको महिलाएं दिखती थी, कहीं भी नहीं। जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी पिछली सरकारों के दौरान, और उनको एक दबाया हुआ, मतलब ऐसे लगता था कि महिलाओं का जो अपना जीना है, जो उनका अधिकार है, वो उनको नहीं मिलता था। लेकिन आज के दौर में आप देखें कि महिलाएं जहां पहले घर से बाहर नहीं निकलती थी, तो आज बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो अपना रोज़गार कर रही हैं, अपना जो आत्मनिर्भर बन रही हैं। तो घरों में आजकल महिलाएं कम मिलती हैं क्योंकि अपना जो रोज़गार वो अपने आप से जो शुरू कर रही हैं, जिसमें उनको बढ़ोतरी मिल रही है। आज हर एक महिला जो है सशक्त है, हर एक क्षेत्र में आगे काम कर रही है, जैसे कोई राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई अपने अपने अलग अलग जो
महिलाओं को रोजगार आजकल के दौर में मिला है ये मोदी जी की देन है, और आज जाके पता चला है महिलाओं को कि अपना जो हमारा अधिकार है, जो हमारा जीने का एक महत्व है, तो वो क्या है। बहुत सारी अनगिनत स्कीमें मैं आपको बताऊँ, जैसे पहले तो 3 तलाक जो हमारी मुस्लिम समुदाय की बहनों के ऊपर एक काला कलंक था उसको हटाया। उसके बाद जो है हमें उज्ज्वला योजना के तहत बहुत सारी महिलाओं को जो बेनिफिट मिला। अब सुकन्या समृद्धि योजना है उसके तहत भी बहुत सारी बच्चियों ने बच्चियों को जो लाभ होगा। गोल्डन कार्ड देख लीजिए आप, उसके तहत तो बहुत सारे लोगों ने बेनिफिट उठाया, 2-2, 3-3 लाख का जो किसी को बीमारी के ऊपर इलाज के ऊपर जो खर्च हुआ तो सरकार ने उठाया। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो कदम है, बहुत बड़ा कंसेप्ट था मोदी जी का कि गोल्डन कार्ड से हमारा जो गरीब है वो कैसे इलाज कर पाएगा। तो ये सबके बनने लगे, फिर APL BPL हर किसी का, आज हर घर में हर किसी का गोल्डन कार्ड जो बना हुआ है। तो ये भी हमारे पास एक अच्छा ये है कि जब भी हम कहीं बीमार होंगे तो हमें चिंता करने की बात नहीं है। हमारे पास 5 लाख का जो हमें फ़ायदा हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये भी एक बहुत बड़ा कदम है सरकार का। और भी बहुत सारे, जैसे विश्वकर्मा योजना का लाभ एक स्कीम थी, उसके भी बहुत सारी आए दिन हर जगह पे सेंटर लग रहे हैं, हर दिन हर रोज़ बैच लगे होते हैं, 50-50 लेडीज़ जो एक एक बैच में ट्रेनिंग करती हैं, उसके बाद दूसरा बैच मतलब बैठता है। हर एक BPL फैमिली का एक राशन कार्ड पे एक ही फार्म भरा जाएगा। मैं एक आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि 18 किस्म के जो ये रोज़गार हैं तो एक BPL राशन कार्ड पे एक ही फार्म भरा जाएगा उसका, तो इसका भी हर एक जो व्यक्ति है वो लाभ उठा रहा है। तो और भी अनगिनत स्कीमें जो कि 2 दिन लग जाएंगे गिनते गिनते कि इतनी स्कीमें हमारे पूरे भारतवर्ष में हमारी भारत सरकार ने लागू की हैं कि जिनका हम कभी भी उनका जो है जो उन्होंने हमारे ऊपर अपना फ़र्ज़ निभाया है, मैं तो यही कहूँगी कि हम लोगों पे मोदी जी का कर्ज है। वो हमारे पास एक ही माध्यम है चुकाने का कि हम उनको वोट देकर सपोर्ट करके फिर से प्रधानमंत्री बनाए और हमारे देश का विकास हो और ज़्यादा हमारा देश तरक्की की ओर बढ़े और विश्व गुरु बनने का पूरा जो एक प्रयास एक कोशिश हमारे मोदी जी के है तो वो अवश्य पूरी होगी। ये थी अर्चना जी जिनसे हमने अभी बात की। तो मैं पत्रकार राजेश कोतवाल, मुझे दीजिए इजाज़त, कल मिलेंगे दूसरी अपडेट के साथ। नमस्कार।